लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना वायरस का असर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। इसका असर प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। अरब देशों की बात करें तो वहां भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की कीमत लगातार कम हो रही है। इसका असर हिंदुस्तान के सराफा बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। सोने के व्यापारियों की बात माने तो सेंसेक्स कम होने के कारण सोने के भाव में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सोना 5000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ गया है। वर्तमान में सोना MCX 45,000 प्लस है और हाजिर भाव में प्रति 24 कैरेट सोने के भाव 43,500 देखे जा रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तो जो आप देख रहे हैं, जो बाहर चल रहा है कोरोना वायरस का, चाइना से जो शुरू हुआ था उसके अपेक्षा अपन देखेंगे तो अभी क्रूड ऑयल कम हुआ है और अपन सेंसेक्स देते हैं, सेंसेक्स कम होता है तो गोल्ड में वृद्धि आती है। अभी पिछले आप कुछ समय से देखोगे तो करीब करीब 5000 रुपये का फर्क आया है डेढ़ महीने में सोने में। और आज की करंट स्थिति MCX पे आप देखेंगे तो 45,000 रुपये प्लस है और हाजिर भाव देखेंगे आप तो 43,500 रुपये 24 कैरेट का है। आगे की बात करें तो आगे क्या स्थिति बनने वाली है? आगे तो भाव इतने हाई हो चुके हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है अब जाना। अब स्टेब्लिश हो गए, डाउनफॉल आना चाहिए। चांदी की बात करें तो अभी चांदी क्या स्थिति? चांदी का भाव 47,000 रुपये का, ये भी प्लस हो गया 2,000 रुपये। चांदी में इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से चांदी को इतना वैल्यू नहीं दी जाती है, गोल्ड पे ज़्यादा फोकस रहता है इसका। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।